क्लास मॉनिटर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल की पहली क्लास में एक 6 साल की बच्ची चिंकी भी पढ़ती थी। एक दिन टीचर ने चिंकी को अपने पास बुलाया। चिंकी, मेरे पास आओ। स्टूडेंट, चिंकी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है और वो स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं चिंकी को क्लास का मॉनिटर बनाती हूँ। लेकिन टीचर, मैं पहले कभी क्लास मॉनिटर नहीं बनी, इसीलिए मुझे मॉनिटर बनना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ओके टीचर। इस तरह चिंकी क्लास की मॉनिटर बन गई। अब वो टीचर के सामने वाली सीट पर बैठने लगी। टीचर को कुछ भी काम होता तो वो चिंकी को ही बोलती। इस तरह सब सही चल रहा था। चिंकी क्लास मॉनिटर बनकर खुश थी। फिर एक दिन टीचर ने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से प्रिंसिपल सर के ऑफिस जा रही हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कोई भी स्टूडेंट शोर ना करे। ओके टीचर। ये कहकर टीचर क्लास से चली गई। लेकिन टीचर के जाते ही सभी स्टूडेंट्स शोर करने लगे और फिर सभी बच्चे एक जगह जमा होकर जोर जोर से बात करने लगे। तुम्हें पता है, कल YouTube के पुनटुन किड्स चैनल पर मैंने एक बहुत अच्छी कार्टून वाली कहानी देखी थी। मैं तो रोज पुनटुन किड्स के कार्टून देखता हूँ। सभी को इस तरह से शोर करते देख चिंकी ने उनसे कहा, शोर मत करो प्लीज, सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन किसी ने भी चिंकी की बात नहीं सुनी और सब ऐसे ही शोर करते रहे। तभी टीचर वापस आ गए। ये क्या हो रहा है? टीचर को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर गए और जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। चिंकी, मैंने तुमसे क्लास का ध्यान रखने के लिए कहा था ना? सॉरी टीचर। ऐसा ही और भी कई बार हुआ। फिर जब एक दिन फिर से टीचर को क्लास से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। टीचर, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। चिंकी, अगर कोई स्टूडेंट शोर करे तो तुम उसे कुछ मत कहना, बस उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। वापस आकर मैं उस स्टूडेंट को खुद पनिशमेंट दूंगी। ओके टीचर। चिंकी के ऐसा कहने पर टीचर क्लास से चली गई और उनके जाते ही स्टूडेंट्स हमेशा की तरह मस्ती करने लगे। लेकिन इस बार चिंकी ने किसी को कुछ नहीं कहा और एक एक कर उसने स्टूडेंट्स का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। कुछ समय बाद टीचर क्लास में लौटी तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। जिस जिस के नाम बोर्ड पर लिखे हैं, वो स्टूडेंट्स हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। ऐसा बहुत बार हुआ, इसलिए अब टीचर की पनिशमेंट के डर से स्टूडेंट्स ने क्लास में शोर करना बंद कर दिया और इसी वजह से अब कोई भी स्टूडेंट चिंकी से बात भी नहीं करता था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम हमारा नाम बोर्ड पर लिख देती हो और फिर टीचर हमें पनिशमेंट देती है। चिंकी क्लास में अकेले रहने लगी। क्लास में कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसकी मम्मी उसके पास आई। क्या हुआ चिंकी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? चिंकी ने मम्मी को सारी बात बताई और फिर उनसे कहा, मम्मी, मुझे क्लास मॉनिटर नहीं बनना, मैं कल ही टीचर से कहूंगी कि वो किसी और को क्लास मॉनिटर बना दें। लेकिन चिंकी, तुम तो क्लास मॉनिटर बनकर बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। चिंकी, तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इस प्रॉब्लम का कुछ और सलूशन निकालना चाहिए। याद रखो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। चिंकी को मम्मी की बात सही लगी, तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन जब टीचर क्लास से बाहर गई तो चिंकी ने सभी स्टूडेंट से कहा, मैं जानती हूँ, मैं जब तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिखती हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए तुम सब मुझसे बात नहीं करते, लेकिन मुझे
मुझे क्लास मॉनिटर बनना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर तुम सब बिना शोर मचाए धीरे धीरे बात करोगे तो मैं किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूंगी। सभी को चिंकी की ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ चिंकी, ये आइडिया सही रहेगा। इससे हम बात भी कर सकेंगे और किसी को पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे। इस तरह चिंकी के आइडिया से चिंकी क्लास की मॉनिटर भी बनी रही और सभी स्टूडेंट्स फिर से उसके दोस्त भी बन गए।